वैसे तो शासन प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए की राशि शहर के विकास हेतु स्वीकृत की जाती है, परंतु जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते वार्ड विकास पर विराम लग जाता है। कुछ ऐसा ही रीवा के वार्ड 34 में देखने के लिए मिल रहा है, जहां स्थानीय रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वार्ड की जमीनी हकीकत जानने पहुंची खबर समय जगत टीम को, वार्ड क्रमांक 35 और 19 के बीच स्थित वार्ड 34 से होकर ही राजघराने का मार्ग जाता है। यहाँ की नालियाँ नालों में तब्दील हो चुकी है। निकासी न होने से गंदे पानी व गंदगी की भरमार है। सुअर घूमते दिखते हैं, नालियाँ बचबचा रही है, बारिश में जल भराव भी होता है। बाढ़ प्रभावित यह क्षेत्र 3 दिन के लगातार बारिश से तालाब में तब्दील हो जाता है। इस संबंध में आज तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया, ना ही किसी ने ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश की, जिसका खामियाजा भोली भाली जनता भुगत रही है। रहवासियों की माने तो सिर्फ नदी के तटवर्ती क्षेत्र में थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, पूरा वार्ड अतिक्रमण की चपेट में है। निवर्तमान पार्षद समस्याओं का निदान नहीं कर पाए। वार्ड आज भी जनहित के कार्यों की प्रतीक्षा कर रहा है। नगर निगम द्वारा स्वच्छता, पेयजल, संपत्ति कर से लेकर प्रकाश के लिए भी टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सन्नाटा है। स्थानीय रहवासियों का दर्द आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका, कौन सा वार्ड है और अभी तक क्या क्या विकास कार्य वार्ड में हुए हैं और आगे क्या चाहते हैं? देखिए, यह रीवा का वार्ड क्रमांक 35 और 34 और 19 के बीच यह वार्ड है। यह वार्ड जो है हमेशा बाढ़ ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है और ये इस इलाके की दशा यह है कि अगर लगातार 3 दिन पानी बरस जाए तो पूरे बाढ़ में यहाँ के तटवर्ती इलाका पूरा का पूरा डूब जाएगा। 97 की बाढ़ के बाद ये त्रासदी इस बाढ़ के लोगों को झेलनी पड़ी है, शायद किसी ने झेला ना। पिछले वगैरह की बात तो अलग है, बात 35 तो लोगों ने बहुत किया। रही बात विकास, विकास की देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें नदी के तटवर्ती इलाके में हुआ, परंतु जो यहाँ का गरीब तबका है, अल्पसंख्यक तबका है, वह प्रभावित हुआ है, अतिक्रमण से ग्रसित है। नदी का जो जहाँ भराव का एरिया है वहाँ पूरा अतिक्रमण हो चुका है और उसकी ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। नाली और नाला यहाँ के बड़े गहरे रहते हैं। 97 की बाढ़ में जो नाले भरे हैं आज तक वो नाले ठीक से साफ नहीं, बल्कि ध्वस्त हो गए। जो कुछ ऐसे नाले बने थे, जो ऐसे नाले बने कि हम लोग आपत्ति भी करते थे कि भाई ये नाला कितने दिन चलने वाला है, ये नाली कितने दिन चलने वाली है। ये मस्जिद का पीछे का इलाका देखिए सब ध्वस्त है। आपका एसके स्कूल से लेकर के बड़ी पुल तक का एरिया आप अगर देखें तो पूरे नाली नाला जो है ध्वस्त हैं और दो गाड़ियां आसानी से नहीं चल सकती, और जबकि यह एक महत्वपूर्ण राजमार्ग। राजा शाही जमाने में यह रोड हमेशा बढ़िया रहती थी, परंतु इसकी घोर उपेक्षा, यही हाल पानी का है। यहाँ हैंडपम्प देखने के लिए तो कई है, परंतु हैंडपम्प भली भांत चलते नहीं, वो भी लगभग कई जो है अतिक्रमण से प्रभावित। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड क्रमांक 34 है। क्या है आपका नाम? मोहम्मद हमीद। यहाँ जो है तो किस तरह से विकास कार्य हुए, सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ मिला और क्या चाहते हैं आगे, कि वही पार्षद रहें या परिवर्तन हो? सर, जहाँ लाभ की बात है तो इतना कोई खास लाभ नहीं हुआ है यहाँ। जैसे बहुत से लोगों का भी राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है, और परिवर्तन होना ज़रूरी होता है क्योंकि यह रीवा का हृदय स्थल यानी पुरानी बस्ती कही गई, राज दरबार के लिए ये रास्ता भी जाती है। आप घूम के देखें नाला चौड़े चौड़े हैं, ठीक। उसके बाद जैसा कि हमने देखा रीवा में और भी बाढ़ हैं,
यहाँ पे जो है बीच बीच में मेडिकल की टीम आती है, कैंप लगते हैं, लोग चेकअप करवाते हैं, जांच करवाते हैं, तो ऐसा मेरे समझ से 34 वार्ड में कभी कैंप नहीं लगा है। ठीक, और बाकी मोहल्ले में आप घूम के देख सकते हैं, नाली जो पहले नाली थी आज वो नाला हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं है। ये वार्ड पार्षद का काम है कि ये शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करवाए, इस चीज़ से वंचित है। और समस्याएं तो काफ़ी है, और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए वार्ड का, ताकि नया पार्षद कोई आए, नई सोच उसकी हो और विकास हो, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। साथ ऊपर से बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं जो लोगों को, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो अगर ये वार्ड पार्षद का काम है कि ये लोगों को बताएं कि ये योजना आई हुई है और उसमें उनको लाभ मिल सके। विकास कार्य हुए है ना, और किस चीज़ से वंचित है? वंचित बहुत है। अपने यहाँ शहर में आप देखते होंगे कि अंडरग्राउंड नालियाँ बन गई हैं, नालियाँ आपको दिख रही हैं, यहाँ 15-20 साल से ऐसी पड़ी हुई है। हम चाहते हैं आने वाला जो पार्षद आए वो सब विकास करे, और गवर्नमेंट जिसकी है उसी का पार्षद रहेगा तो विकास अच्छे से होगा। अपन चाहते हैं कि सरकार जिसकी पूर्व पार्षद के पहले भी जो पार्षद थे कुछ काम हुआ है, बाकी कुछ ऐसा काम दिखाई नहीं देता है बाद में। मतलब पानी की बड़ी सप्लाई की बहुत दिक्कत है, मतलब परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन। ये कौन सा वार्ड है, क्या नाम है? 34 वार्ड है। यहाँ क्या क्या कार्य हुए, किन कार्यों से वंचित है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सब ऐसे आए हैं। तो क्या चाहते हैं? अरे ये है कि कोई नया अच्छा भाई पार्षद आ जाए तो सब, मतलब परिवर्तन चाहते हैं। अभी तक जो है जो पूर्व पार्षद थे है ना, उन्होंने किस प्रकार से विकास कार्य किया? उनके पार्षद नाम के लिए आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पानी कोई नल की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी नहीं आता, सफाई की जो नई लाइन आई है लाइन बाकी है वो लाइन नहीं है, और नाली जो है साल में एक ही बार सफाई होती है, और कचरे की गाड़ी जो है कभी आती है कभी नहीं आती। तो क्या चाहते हैं इस बार पार्षद कैसा हो? ये चाहते हैं कि पार्षद अब चेंज हो जाए तो हमको नया पार्षद। जैसे 5 है प्रत्याशी, इनमें से किसको चूज करना चाहेंगे? हम तो जिसका सबका साथ सबका विकास चल रहा है उनसे चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जयंत दुबे। वार्ड के बाद चौथे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संयोजक है। क्या कहते हैं इस बार, मतलब विकास कार्य को लेके क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए? और तो अभी कमी है, जैसे कि अभी तक इस वार्ड में जब तक हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं संयोजक पद में, हमारी हर बात चाह रही कि हमारे पार्टी का पार्षद बने, और जैसे केंद्र से लेके वार्ड तक की जो भी जो 1 रुपया आता है वो सीधे आगे गरीबों को मिले। हमारे तो यही मानना है कि अभी तो विकास कार्य बहुत करने बाकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन जरूरी है। तो हम अपने वार्ड में जो भी सरकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाएंगे और इस वार्ड को बिल्कुल शहर की तरह चमन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा वार्ड घोघर है और घोघर काफ़ी पुरानी बस्ती है। बाकी नई बस्तियां या जो नए नगर बसे हैं वो आज के डेट में विकसित है, लेकिन ये हमारा किसी भी कारण से पीछे रह गया। इसको हम आगे ले जाएंगे, रोड नाली और जो भी यहाँ पार्क गार्डन बच्चों के खेलने के लिए जो भी चीज़ें संभव होंगी वो सब कुछ करेंगे। जैसे देखा हमने लोगों की शिकायत है रोड नहीं है नाली नहीं है, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण? उसका कारण ये था भाई साहब कि हमारे यहाँ से जो पार्षद अभी तक चुन के गए वो निर्दलीय थे, वार्ड में इन्होंने पार्टी से विलय किया फिर उसके बाद वापस चले गए, तो इनको जो था तो ये सिर्फ जो चुनाव लड़े तो ये अपने आप के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए, ना कि जनता के लिए। इस वजह से इस वार्ड का विकास जितना होना था वो हुआ नहीं, और माननीय मंत्री जी हमारे पूर्व मंत्री जो हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, ये तो हमेशा बिल्कुल खड़े रहते हैं दिल खोल के कि आप आओ और हमको काम बताओ, क्या समस्या है आपकी। जब उनके पास कोई जाएगा नहीं, उनको बताएगा नहीं,
तो उनके पास जानकारी पहुंच नहीं पाती। कारण ये है कि इस वजह से थोड़ा सा अपना वार्ड पीछे रह गया। क्या लगता है आपको, क्या क्या कार्य अभी रुके हुए हैं जो प्रमुख है? हमारे यहाँ प्रमुख कार्य अभी जैसे पानी की समस्या है, आधी पाइपलाइन डल गई थी, आधी बाकी, कुछ रोडें बन गई हैं, कुछ बाकी हैं, कुछ पुराने जो नाले हैं आधे बन गए हैं, आधे बाकी हैं। और इन्हीं सब कार्य को अपन पूरा करें। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, जिस पर बहुत सी शासन की योजनाएं हैं जो आम जनता तक पहुंचती ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, उससे हम जागरूक कराएंगे और उनके घर तक हम ये योजनाओं को पहुँचाएँगे और उसका लाभ दिलवाएँगे। बेरोजगारी भी हमारे यहाँ है, उसको भी दूर करेंगे अपन। जो भी जैसा जितना भी बल पड़ेगा उतना हम करेंगे बाढ़ के लिए। और ये जो चुनाव मेरा लड़ने का मकसद है, ये आवाम की सुरक्षा के लिए है, उनकी भलाई के लिए है। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और उनकी सेवा करूँगा। आबादी कितनी है आपके? हमारे वार्ड की आबादी है 2848 कुल मतदाता, वार्ड नंबर 34। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।